इन हाउस गेस्ट के लिए सभी फैसिलिटीज मुफ्त में हैं। तो एंड एडवेंचरस के लिए हम आए हैं, तो ऑब्वियसली वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द इवेंट टुडे। हम आज डिफरेंट आउटफिट्स में आ रखे हैं, जो हम यूजुअली हम आते हैं प्रॉपर ग्रूम अप होके, वो हम नहीं आए हैं, हम कैजुअल आज आउटफिट्स में आए थे। आई वुड लाइक टू थैंक आवर मेंटर्स फॉर चूजिंग सच अ प्रिटी लोकेशन। इस पे वी हैव नो आइडिया क्या होगा, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड फन, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। शहनशाही क्लब एवं रिजॉर्ट में जो आज मिस टूरिज्म का आयोजन किया गया है, तो हम जानते हैं यहाँ के ओनर नीरज बंसल जी से। नीरज जी, पहली बार इस तरह का आयोजन आपके यहाँ किया गया है? यहाँ पर जो कॉन्टेस्टेंट आए हैं बहुत अच्छा लगा, वो सब आके यहाँ अपनी एक्टिविटीज़ की हैं उन्होंने, और हमने जो ये सब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा उनका प्रयास है दिलीप सिंधी जी का जी। तो क्या कुछ करने वाली हैं आज मॉड यहाँ पे? ये हमारे यहाँ रॉक क्लाइंबिंग है, उसके ऊपर एक्टिविटीज़ हैं, रॉक क्लाइंबिंग, बर्मा ब्रिज, स्क्वैश कोर्ट है, उसमें गोल्फ कोर्स है, और टूरिज्म से रिलेटेड अधिकतर चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उन सब एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेंट भाग लेंगे। तो अगर आम लोग यहाँ आके ये सब करना चाहें तो इसके चार्जेस वगैरह क्या होंगे? बहुत नॉमिनल चार्जेस पर इनको हम कराते हैं, और इन हाउस गेस्ट के लिए सभी फैसिलिटीज़ मुफ्त में हैं। अच्छा अच्छा, और कोई ये सब सिर्फ करने के लिए आता है तो उसे नॉमिनल चार्जेस पे कराते हैं। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। थैंक यू। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज शहनशाही रिजॉर्ट में, जहां मिस उत्तराखंड की जो भी प्रतिभागी हैं वो कुछ अलग अंदाज में दिखाई दे रही हैं, एडवेंचरस लुक में हैं और कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी भी कर रही हैं, क्योंकि मिस टूरिज्म का जो सबटाइटल है वो इनको जीतना है। तो आप बताइए, कुछ आज अलग से तैयारी करके आए या कुछ अलग सा लग रहा है आज? जी बहुत अलग लग रहा है। जैसे द एनवायरनमेंट इज रियली कूल ओवर हियर, तो एंड एडवेंचरस के लिए हम आए हैं, तो ऑब्वियसली वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द इवेंट टुडे। या लेट्स सी व्हाट ऑल हैपेंस। सोचा था कि मिस उत्तराखंड की इस जर्नी में कुछ एडवेंचरस चीज़ें भी सामने आएंगी? मतलब ये तो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा इस तरीके की एक्टिविटी के साथ, पर हमें पहले से पता था कि एक सबटाइटल मिस एडवेंचरस का होगा, तो फाइनली आफ्टर कोविड ये फर्स्ट सबटाइटल है हमारा, और हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं आज। क्या बात है। यस मैम, तो हम आज डिफरेंट आउटफिट्स में आ रखे हैं, जो हम यूजुअली हम आते हैं प्रॉपर ग्रूम अप होके, वो हम नहीं आए हैं, हम कैजुअल आज आउटफिट्स में आए थे। प्लस आज हमें एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, जिससे हमारा ऑलराउंडर जो डेवलपमेंट है वो देखा जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐश्वर्या? हाँ मैम, आई गेस जो लोकेशन है वो तो बहुत अच्छी है, सो आई वुड लाइक टू थैंक आवर मेंटर्स फॉर चूजिंग सच अ प्रिटी लोकेशन। हम लोगों की रील्स बननी हो पाए यहाँ पे, एंड या वी आर रियली एक्साइटेड टू डू दीज एडवेंचर्स टुडे। थैंक यू। एक सबटाइटल तो आप अपने नाम कर चुकी है, अब इसको लेके क्या बोलती है? मैम, लोकेशन तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, हम यहाँ पे आज शहनशाही रिजॉर्ट में आए हैं, दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, और बस पीछे हम पहाड़ देख सकते हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। और बाकी हाँ, थोड़ा एज़ यूजुअल जैसे हम ड्रेसअप होते हैं, तो आज थोड़ा डिफरेंटली ड्रेसअप होकर आए हैं, तो थोड़ी एक्साइटमेंट तो है, प्लस यू नो एक बहुत लंबे गैप के बाद ये सब इवेंट हो रहा है, सो हाँ काफ़ी एक्साइटेड है हम, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैम, यही कि यहाँ पे मतलब इतने टाइम बाद ये इवेंट हो रहा है, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि ओ फाइनली, कल ऐसा हो गया था कि क्या होगा कैसे होगा, बिल्कुल एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये मिस एडवेंचरस है सारे सब टाइटल से बिल्कुल हटके, तो बस यही था कि क्या होगा कैसे होगा क्या पहने, इतने टाइम बाद हो रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है आज इस चीज़। हाँ, इतनी प्रिपरेशन जो आप लोग कर रहे थे, बीच में कुछ कहीं ना कहीं रुक सी गई थी, लग रहा था अब कब होगा मिस उत्तराखंड। हम लोग आज बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स में आए हैं, हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लाइक बाकी सब टाइटल्स में हमें पता था क्या होगा, इस पे वी हैव नो आइडिया क्या होगा, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड फन, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से बोल दो सब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी। ये।